जब भावी माता इस 10 दिन के शिविरों में बताए गए विषयों पर पूरे समर्पण भाव से चलेंगी, और भावी माता ही नहीं उनके पति और परिवार के सदस्य सबको उनका सहयोग देना है, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। यहाँ से गर्भ संस्कार का जो उद्देश्य है, शिशु के स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का परिशोधन, शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान, भावनात्मक रूप से सक्षम, मन चाही संतान का निर्माण तभी संभव हो पाएगा। आइए शांतिपुर हरिद्वार से इस गर्भ संस्कार का शुभारंभ करते हैं, जहाँ की दिव्य शक्ति आपके द्वारा लिए गए संकल्प को बल देगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगी और इस समाज को सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर एवं मन चाहे संतान को जन्म दे सकेंगी। तो आइए इस पुनीत कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरणम्। एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं, मंत्रोच्चार के साथ सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए सभी परिजनों के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें, भावना करें कि हमारे ऊपर दैवीय अनुग्रह बरस रहा है। ओम भद्रं करिष्यामि देवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुमांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं जनायुः। पवित्रीकरणम्। सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ से ढके, मंत्र पश्चात अभिमंत्रित जल को समस्त शरीर पर छिड़क लें, भावना करें कि हमारा शरीर, मन और अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ओम पवित्रः पवित्रोः सर्वावसांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात्। प्राणायामः। सभी कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। लंबी गहरी सांस ले, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें, भावना करें कि हमारा शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ओम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। चंदन धारणम्। मस्तिष्क शांत, शीतल, विवेकवान हो, ऐसी भावना करते हुए सभी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन या रोली लेकर सहकार एवं सम्मान के साथ एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महापुण्यम् पवित्रम् पापनाशनम् आपदां हरते नित्यम् लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। यह वरण सूत्र है पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो, इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। ॐ व्रतेन वीक्षामाप्नोति
दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ओर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कलश पूजनम् पूजा वेदी पर रखा हुआ कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है इसमें सारी देव शक्तियां समाई हुई हैं वेदी के पास बैठे एक परिजन कलश पूजन करें शेष सभी याजक भावना पूर्वक हाथ जोड़कर ध्यान करें ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्ते यजमानो हवेः अहेडमानो वरुणेह बोधरुषद्वं समान आयुः तमोषीः ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरीशं यज्ञद्वं समिमं दधातु विश्वे देवा सैनादयन्तामो प्रतिश ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाशतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ गणेशस्य देवताभ्यो नमः दीपपूजनम् कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है उसे प्रज्वलित करें यह परमात्मा की चेतना का प्रतीक है दीपक के पास बैठे एक परिजन दीप पूजन करें शेष सभी परिजन ज्योति रूप परम प्रकाश का ध्यान कर नमन वंदन करें ओम अग्ने ज्योतिर् ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा देवावाहनम् विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराओं देव शक्तियों का आवाहन करें सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करें गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ है वेदी के पास बैठे एक व्यक्ति गुरु पूजन करे शेष सभी परिजन भावना पूर्वक नमन वंदन करें ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मातृवत्लालयित्रे च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ श्रीगुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अब वेदमाता देवमाता विश्वमाता सद ज्ञान सद भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करें ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारं करोमि ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करना है। हमारे मन का रुचि का झुकाव देवत्व की ओर हो, इस भाव के साथ सभी परिजन हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर देव शक्तियों को नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम विश्वदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वासुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ॐ एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती, पदार्थों को समर्पित कर जो श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। एक परिजन पूजन करें, शेष सभी अपनी भावनाएं समर्पित करें। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूरी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी हितकारी, वाचन अर्थात घोषणा। माता एवं गर्व शिशु के साथ सबके कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन दाएं हाथ में अक्षत पुष्प लें, बाएं हाथ नीचे दाया हाथ ऊपर रखें। मंत्र पूरा होने पर पूजन सामग्री एक तश्तरी में
एकत्रित कर ले। ओम गणानांत गणपति वं हवामहे, प्रियानांत प्रियपति वं हवामहे, निधीनांत निधिपति वं हवामहे। वसो मम हामम जानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम्मा। ओम स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धशवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो, नक्त्रेस्थो विष्णुः, स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवते इंद्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। रक्षाविधानम्। जहाँ उत्कृष्ट बनने शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों से, दुष्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहा जाए, इसलिए रक्षा विधान किया जाता है। एक याजक हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए, जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत की वृष्टि करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुड़ध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभसु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपतिरक्षे, ऐशान्यां हि महेश्वरः। ऊर्ध्वं रक्षतु धाताहो, यदो दन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यस्थानं, रक्षत्वेशो ममादिः, अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संसिता, ये भूता विघ्नकर्तारः, ते गच्छन्तु शिवागयः, अपक्रामन्तु भूतानि, पिशाचाः सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अब यहाँ से हमारा गर्भोत्सव संस्कार का क्रम जुड़ेगा। सबसे पहले मैं सभी गर्भवती बहनों से निवेदन करूंगी कि आपके सामने औषधि की कटोरी रखी होगी, तो उसका उस क्रिया को भी हमने करना है। उस औषधि में तीन जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, एक है वट, दूसरा गिलोय और तीसरा पीपल। हम लोग देखते हैं कि ये हमें क्या प्रेरणा देती है, क्या संदेश देती है और हमें अपने जीवन में क्या उतारना है। तो सबसे पहले
वट वृक्ष हमें क्या संदेश देता है, उनके क्या गुण होते हैं जिन्हें हमें आत्मसात करना है, ये हम देखेंगे। वट वृक्ष विशालता, स्थिरता, धैर्य और दीर्घ जीवन का प्रतीक है। विशाल इसलिए उसे कहा जाता है कि उसके ऊपर कितने ही पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं और उसके फलों से पेट भरते हैं, पशु एवं पथिक उसकी छाया में विश्राम करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। उसके दूध, जटा, जड़, छाल, फलों द्वारा रोगों का निवारण होता है। ये हमें संदेश देता है, प्रेरणा देता है कि हमारा शिशु विशाल हृदय, उदार और परोपकारी बने तथा लोगों के कष्टों में सहायक हो। दूसरा गुण वटवृक्ष का है स्थिरता। वटवृक्ष अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक ले जाता है और अपने को हर दृष्टि से मजबूत परिपुष्ट बनाता है। आंधी तूफान आते हैं पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यह हमें संदेश देता है कि शिशु संयमी सदाचारी रहकर अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की जड़ें गहराई तक ले जाए, जिसके फलस्वरूप मनोभूमि सुदृढ़ बनेगी, आत्मबल आएगा और कष्ट, कठिनाइयां, आंधी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वट वृक्ष का तीसरा गुण है धैर्य एवं दीर्घ जीवन का। नन्हा सा बीज विशाल वृक्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है और दीर्घ जीवी हो जाता है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमारा शिशु भी दीर्घ जीवी हो तथा धैर्यवान बने, वृद्धावस्था में भी युवावस्था जैसे उत्साह, साहस एवं उमंग से भरा हो। तो ये रहा, हमने अभी देखा वट वृक्ष हमें क्या संदेश देता है। तो जब यहाँ से बोला जाएगा आपको कि आप उसको भावना करके उसको सूंघे, तो इन सब भावनाओं को आपको सोच के फिर औषधि को सूंघना है। अब हम दूसरी औषधि की ओर बढ़ते हैं, गिलोय। गिलोय एक बेल होती है और सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। यह हमें प्रेरणा देती है। शिशु स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेकर ऊपर उठे तथा उसमें दूसरा गुण है रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमें प्रेरणा देता है कि शरीर को बीमारियों से तथा अंतःकरण को दुर्भावनाओं से बचाने हेतु नियमित निरंतर व्यायाम, प्राणायाम, आदर्श दिनचर्या एवं संतुलित सात्विक संस्कारित आहार रखने तथा विचारों को उत्कृष्ट बनाने हेतु स्वाध्याय सत्संग करना है। अब हमारी जो तीसरी औषधि है उस कटोरी में, वो है पीपल की। ये देव योनि का वृक्ष माना जाता है। यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्राण वायु के रूप में देता है। यह हमें संदेश देता है कि हमारे और शिशु में देवत्व के गुण विकसित हो, जैसे विनम्रता, सहयोग, सम्मान, शालीनता, मधुर वाणी, प्रेम, करुणा, ममता, उदारता आदि आदि। वट वृक्ष गिलोय पीपल के मिश्रण को सूंघने से और पान करने का तात्पर्य है श्रेष्ठ गुणों को स्वयं वरण कर आत्मसात करना, अपने में तथा शिष्य में उन गुणों को विकसित करने हेतु वातावरण बनाना। वातावरण बनाने हेतु भावी माता को आदर्श दिनचर्या, सात्विक संतुलित एवं संस्कारित आहार, महान पुरुषों नारियों के प्रसंगों का अध्ययन कर उस पर चिंतन मनन करना, गर्भ संवाद कर शिशु तक श्रेष्ठ संस्कार पहुंचाने का प्रयास करें। इस कार्य में भावी पिता एवं घर के परिजनों का सहयोग भी आवश्यक है। भावी माता दोनों हाथों में औषधि की कटोरी लेकर निम्नलिखित सूत्रों का भाव समझते हुए उन्हें दोहराएं और बताए गए गुणों का ध्यान करें। सूत्र यहाँ से बोला जा रहा है, ओम ओम दिव्य चेतना स्वात्म्याम स्वात्म्याम करोमि करोमि हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम ओम भूयो 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 विधास्यामि यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। भावी माता औषधि को सूंघे, बताए गए गुणों को आत्मसात करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है,
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब अगला क्रम है गर्भ पूजन का। गर्भ पूज्य है और यह कौतुक नहीं जिम्मेदारी है, अतः अपने चिंतन चरित्र एवं व्यवहार को उत्कृष्ट बनाया जाए तथा परस्पर के द्वेष वैर को भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाया जाए। गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसके स्वागत की तैयारी की जाए। घर में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए एवं गर्भ को संस्कारित करने हेतु नियमित उपासना एवं स्वाध्याय का क्रम चलाया जाए। घर की वयोवृद्ध महिला एवं भावी पिता अक्षत पुष्प लेकर सूत्र दोहराएं। ओम ओम सुसंस्काराय सुसंस्काराय यत्नम यत्नम करिष्ये करिष्ये नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। सूत्र पूरा होने पर गायत्री मंत्र बोलते हुए वह अक्षत पुष्प भावी माता के हाथ में दिए जाए। वह उसे अपने उदर से स्पर्श कराकर पूजा वेदी पर अर्पित करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अगला क्रम है आश्वासना का। परमात्मा ने उस जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके घर भेजा है। उसके कुछ उत्तरदायित्व होंगे। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु आप लोगों को सहायक बनना है। पहला आश्वासन भाभी माता द्वारा, दूसरा आश्वासन उसके पति और परिजनों की ओर से होना चाहिए। अतः आप अपने संकल्पों को पढ़ें और उस पर दृढ़ता पूर्वक प्रतिदिन चलने का संकल्प लें और प्रतिदिन दोहराएं और परमात्मा के इच्छा को पूर्ण करने में सहायक बने। पहला संकल्प भावी माता द्वारा लिए जाने वाले संकल्प है। मैं सभी भावी माता से निवेदन करूंगी कि यहाँ से संकल्प पढ़ा जा रहा है तो आपको साथ साथ में दोहराना है और ये प्रयास करना है कि 9 महीने तक आप इन संकल्पों को पर चलने का प्रयास करेंगी। तो संकल्प यहाँ से पढ़ा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए और दोहराइए। भाभी माता द्वारा लिए जाने वाले संकल्प। मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगी जिसके लिए नियमित रूप से स्वस्थ दिनचर्या का पालन करूंगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने को बचाए रखूंगी। प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 गिलास सादा गुनगुना पानी पीऊंगी। पूरे दिन में 10-12 गिलास पानी पीऊंगी। नियमित योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान प्रार्थना आदि का क्रम बनाऊंगी। नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण गीता बाइबिल कुरान शरीफ गुरु ग्रंथ साहब आदि का पाठ अपनी मान्यता अनुसार करूंगी। संतुलित सात्विक एवं संस्कारित भोजन ग्रहण करूंगी। भोजन के 5 अत्यंत छोटे ग्रास में गुड़ या चीनी व घी मिलाकर बलि वैश्य यज्ञ करूंगी या 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर भोजन को प्रसाद मानकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। बच्चे में अच्छे गुणों के विकास हेतु कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे अच्छे सुखदायी गुंजने वाले संगीत स्वाध्याय सत्संग सुनकर ध्यान द्वारा शौर्य साहस सफल नरनारियों के चरित्र एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य पढ़कर चित्र आदि बनाकर गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक बातें करूंगी। मैं दिन भर अच्छे गुणों अच्छे लोगों अच्छी प्रवृत्तियों तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूंगी। सदा प्रसन्न रहूंगी, अच्छे दिनों को याद करूंगी। प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा घर के वातावरण को सुंदर स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखूंगी। सबके प्रति निर्मल भाव रखूंगी। ईर्ष्या द्वेष क्रोध हठवादिता रुठना प्रतिशोध आवेश ग्रस्तता नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी।
दूसरों की शिकायतों में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्य पूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूंगी। सबके साथ स्नेह एवं सद्भावना बढ़ाने की साधना करूंगी। घर में सामूहिक भोजन, आरती, पूजा, साधना आदि करके आस्तिकता, सेवा भावना, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊंगी। गैजेट्स एवं रेडिएशन से दूर रहूंगी। डरावने तथा उत्तेजना वाले सिनेमा, धारावाहिक देखने एवं साहित्य पढ़ने से बचूंगी। प्रतिदिन दिन में 20-30 मिनट शयन और 1 से 1.5 घंटे विश्राम करूंगी। अब अगला संकल्प भावी पिता एवं परिवारजनों द्वारा लिए जाने वाले हैं। ये संकल्प तो मैं निवेदन करूंगी सभी से कि यहाँ से संकल्प पढ़ा जा रहा है, आप लोग इसको साथ साथ में दोहराइए। हम गर्भा शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष बैर भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्भ पर अभाव, नशा सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, गाली गलौज, तेज आवाज, कलह क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। भावी माँ की के उचित आहार विहार, आचार विचार एवं साधन सुविधा की समुचित व्यवस्था करेंगे। हम भावी माता की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो समझकर पूरा करेंगे। अब पति पत्नी के कंधे पर दाहिना हाथ रखें, सभी परिजन उस ओर हाथ उठाएं, उनसे नीचे लिखे सूत्र दोहराएं। सूत्र यहाँ से बोला जा रहा है, ओम ओम स्वस्थाम स्वस्थाम प्रसन्नाम प्रसन्नाम कर्तुम कर्तुम यतिष्ये यतिष्ये। भावी माता को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे प्रयत्न करेंगे। ओम ओम मनोमालिन्यम मनोमालिन्यम नो नो जनिष्यामि जनिष्यामि। परिवार में कलह और मनोमालिन्य मनोमालिन्य ना उभरने देंगे। ओम ओम स्वाचरणम स्वाचरणम अनुकरणीयम अनुकरणीयम विधास्यामि विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय अनुकरणीय बनाएंगे बनाएंगे। सूत्र पूरा होने पर प्रतिनिधि उन सब पर अक्षत पुष्प छिड़के ओम ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अग्ने स्थापनम्। अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर पंच दीपकों में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और आप लोग दीपक को प्रज्वलित करें। अग्नि के दिव्य गुण हम सब में आए इसी भावना के साथ एक परिजन मंत्र के साथ अग्निदेव का आवाहन कर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। शेष सभी परिजन श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ॐ भुवर्भुवः स्वर्गं वरिवभुम्न पृथिवीवरिं तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नादायादधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम्। सविता हमारे जीवन देवता है, हम सब में प्राणों का संचार करने वाले वरण करने योग्य सविता देवता की स्तुति भावना पूर्वक साथ साथ करें।
ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नाभं ते भ्रमणाधिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारिणं च पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितम् विप्रहे सुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि वर्गं पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं गायत्री मंत्राहुति। सभी आजा कमर सीधी करके बैठे। गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ होने जा रही है। तेरा तुझको अर्पण तथा हमें और हमारे शिशु को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले ऐसा भाव रखते हुए स्वाहा के साथ एक खाली कटोरी में जल की आहुति डालते हुए यज्ञ भगवान को अपनी आहुतियां समर्पित करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रैदं नमः। अगला क्रम है विशेष आहुति का। भावी माता 5 बार खीर की आहुति को विशेष मंत्रों के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। भावना की जाए कि देवी मंत्र शक्ति के संयोग से गर्भस्थ शिशु और सभी परिजनों के लिए अविष्ट मंगलमय वातावरण बन रहा है। आइए भावी माता आहुति समर्पित करें। ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातु माक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीमतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातु माक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातु माक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ॐ माता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातु माक्षितां वयं देवस्य धीमहि वामतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातु माक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। अगला क्रम चरु प्रदान का है। भावी माता दोनों हाथों में खीर की कटोरी पकड़े, मंत्र बोलने के बाद मस्तक से लगाएं और उसे रखने, बाद में उसे प्रसाद रूप में स्वयं ही खाएं और किसी के साथ साझा ना करें। भावी माता मंत्र के साथ खीर को मस्तक से लगाएं। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। यह आपका खीर अभी मंत्रित हो गया है। जिस भी बहन को बलिवेश यज्ञ की जानकारी है वे खीर की आहुति दे उसे खा सकती हैं, अन्यथा केवल गायत्री मंत्र के पश्चात भी खीर को ग्रहण किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये खीर हम लोगों को क्या प्रेरणा देता है। खीर सात्विक आहार का प्रतीक है। इसमें दूध और चावल से मिलकर स्वादिष्ट खीर बनता है। दूध श्वेत कलुष रहित भावों का प्रतीक है। दूध में घी समाया रहता है। घी स्नेह का प्रतीक है। चावल अटूट निष्ठा एवं दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार
दूध पूर्ण रूप से चावल के साथ आत्मसात हो जाता है, उसी प्रकार जब कलुष रहित श्वेत स्नेह से परिपूर्ण अंतःकरण जब अटूट निष्ठा एवं दृढ़ता से मिलता है तो परमार्थ का रूप धारण कर लेता है। यह हमें प्रेरणा देता है पति पत्नी में जितना अधिक प्रेम विश्वास सहयोग और समर्पण होगा उसी अनुपात में उनका शिशु भी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होगा। ऐसे दंपति ही सद्गुणी और सुसंस्कृत शिशु को जन्म दे सकते हैं। अगला क्रम संकल्प का है। जो भी विषय आपने इन 8 दिनों में सुना उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है। साथ ही एक वृक्ष या पौधे को अपने तरु संतान के रूप में गोद लेना है। यदि वृक्ष लगा सकते हो तो पीपल नीम बरगद लगाएं, अन्यथा गमलों में गिलोय या तुलसी को लगाने का भी संकल्प आप ले सकते हैं। गर्भ शिशु को संवाद के माध्यम से उस वृक्ष या पौधे से जोड़ें। इससे गर्भ शिशु प्रकृति से जुड़ेगा, उसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगा एवं आत्मवत सर्वभूतेषु के गुणों का बीजारोपण होगा। भावी माता भावी पिता हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प मंत्र दोहराते हुए यह क्रम संपन्न करें। अद्य आज रविवार गोत्रोत्पन्न अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। नाम हम अपना अपना नाम लीजिए। अब यहाँ से सूत्र को दोहराएंगे। पुंस्वन संस्कार सिद्ध्यर्थम देवानाम तुष्ट्यर्थम देव दक्षिणा अंतर्गते दिव्य चेतनाम स्वात्म्याम करिष्ये सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि इत्तेषां व्रतानां धारणार्थम संकल्पम अहम् करिष्ये। हाथ के अक्षत पुष्प को मस्तक से लगाएं, पूजा वेदी अथवा खाली थाली पर छोड़ दें। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। ये आहुतियाँ परिवर्तनकारी महाकाल को समर्पित हैं। उनकी प्रेरणा से जागृत आत्माओं में साहस का संचार हो, सदाचरण के शुभ संस्कार सब में जागृत हो तथा भ्रष्टाचार की कुप्रवृत्ति का तमोनाश हो। इसी भावना के साथ शिव गायत्री मंत्र से आहुतियाँ समर्पित करें। ओम पंचवक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। नवयुग सृजनार्थम् आहुतिः। नवयुग सृजन अभियान को गतिशील बनाने के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं सविता देवता को विशेष आहुतियां समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल शब्दाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुतिः। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणु के विनाश हेतु यह आहुति आदित्य गणों को समर्पित करें। ओम उद्यन्नादित्य क्लीं हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिः
ये अंतः क्रिमयोगवे स्वाहा इदम् आदित्य गणेभ्यः इदम् नमः ॐ शेषशक्तिं शेषामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वशेषण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः आपत्रक्षार्थं आहुतिः। यह आहुति अपन संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वानर देव को समर्पित करें। मंत्र में प्रथम स्वाहा शब्द के साथ आहुति समर्पित न करके द्वितीय स्वाहा पर स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करें। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। भावी माता तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ, मंगलमय जीवन तथा दीर्घायु की कामना करते हुए तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी परिजनों एवं विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों की आध्यात्मिक उन्नति एवं निरोग जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। नीराजनम आरती। आरती उतारने का तात्पर्य है कि यज्ञ भगवान का सम्मान परमार्थ परंता का ज्ञान प्रकाश दसों दिशाओं में फैले इसी भाव के साथ एक परिजन आरती प्रज्वलित करें, तीन बार जल घुमाकर यज्ञ भगवान और देव प्रतिमाओं की आरती उतारें, पुनः तीन बार जल घुमाकर सभी तक आरती पहुंचा दें। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वार्गतये कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुत सुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदकरोपनिषदै गायन्ति यं सामया ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। क्षमा प्रार्थना। आज के कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई हो, दूसरों से कुछ अनुचित व्यवहार बन पड़ा हो, उसके लिए सभी याजक हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ॐ आवाहनम् न जानामि नैव जानामि पूजनम् विसर्जनम् न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर। साष्टांग नमस्कारः। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्र कोटि युग नारिणी नमः सहस्र कोटि युग नारिणी नमः। अगला क्रम आशीर्वाद का है। जिनका संस्कार संपन्न हुआ है उनके ऊपर सभी उपस्थित जन निम्न मंत्र के साथ पुष्पों की वर्षा करें। सभी परिजन अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं, भावना करें कि इनका संस्कार फलित हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। शुभ कामना। प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन अंजलि फैलाकर भगवान से शुभकामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं चयां बलम् तेज आयुष्यम् आरोग्यम् देहि मे हव्यमान देहि मे हव्यमान। शांति अभिषिञ्चनम्। दैहिक दैविक व भौतिक तापों से सभी को मुक्ति मिले, सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, इसी भावना के साथ पूजा वेदी पर रखे हुए कलश के जल से एक प्रतिनिधि शांति अभिषिंचन की क्रिया संपन्न करें। शेष सभी परिजन शांति सुख का अनुभव करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट सुशांति भवतु। सूर्य दानम्। एक परिजन अभिषिंचन से बचा जल सूर्य देवता को समर्पित करें। शेष सभी आजक सूर्य देवता की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, भावना करें सविता देवता की तेजस्विता प्रखरता हमारे एवं शिशु के रोम रोम में समा रही है और शिशु ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बन रहा है। ओम सूर्य देव सहस्तांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपयमान भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जनम्। एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आवाहित देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देते हुए पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। सभी प्रार्थना करें कि ऐसा ही देव अनुग्रह बार बार मिलता रहे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की।